हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं संडे का दिन है, आज मैं चिकन बना रही हूँ। चलो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देसी स्टाइल में देखिए, मैंने तेल गरम करने दिया है। क्या रखो रखो, मैंने तेल गरम करने दे दिया। सरसों तेल में मैं बनाई हूँ। तेल में मैं जीरा डाली हूँ, तेजपात डाली हूँ और प्याज डाली हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मैंने सारे मसाले पीस के रखे हैं। जीरा गोल दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए इसमें फ्रेंड, जीरा गोलकी लहसुन अदरक बस और गर्म मसाला सारे मैं इसी में मैं पीस दी हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मैं लाल करूंगी, पूरा फ्राई होते तक लाल करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि प्याज अच्छे से फ्राई हो और गल भी जाए। देखिए फ्रेंड, बड़ी अम्मी तरीके से देसी स्टाइल में बहुत टेस्टी बनता है। देखिए फ्रेंड, प्याज मेरा लाल हो चुका है। देखिए प्याज लाल हो चुका है मेरा। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड, तो मैं सूखे मसाले भी डाल दूंगी। जीरा गोलकी पर सूखा होता है, पिसा हुआ है। देखिए फ्रेंड, मेरा सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। देखिए आधा मसाला मेरा फ्राई हो चुका है। देखिए अब मैं फिर देखिए इसमें मैं चिकन में मैं नमक हल्दी और हल्का सा नींबू डाल के रखी हूँ। देखिए अब मैं इसमें सारे डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड, अब मैं इसे ढक ढक के, देखिए फ्रेंड, देखिए मेरा फ्राई हो रहा है और मैं ढक ढक के मसाला भी मेरा भूंजा जाएगा और चिकन भी मेरा सीज जाएगा, मतलब कि जल्दी पक जाएगा चिकन भी। देखिए अब मैं ढक दी हूँ, देखिए कम फ्लेम की हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरे आधा चिकन फ्राई हो चुके हैं। देखिए मसाला भी फ्राई हो चुका, तब भी मैं बहुत फ्राई करूँगी इसको ढक ढक के। जितना फ्राई होगा ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, इसीलिए। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए देखिए, ये मेरा पानी गर्म किया हुआ था। देखिए गर्म पानी किया हुआ रहता है तो अच्छा होता है। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा चिकन हो चुका है। मैं अब गैस बंद कर दूंगी। देखिए प्लीज आप लोग मेरे चिकन रेसिपी को बहुत सारा प्यार करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा आप लोगों को। और मेरे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। वेल गलती हो गई मेरे से, थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।